प्रेस क्लब ऑफ मीडिया ने अहम बैठक कर दी चेतावनी। पत्रकारों पर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो होगा सड़कों पर आंदोलन। समस्त उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रेस क्लब ऑफ मीडिया के द्वारा अलीगंज कार्यालय पर अहम बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अवस्थी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में कहा कि यदि देश भर में पत्रकारों के उत्पीड़न की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना गया तो हमारा संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर संगठन के विस्तार स्वरूप विभिन्न पदों पर गठन भी किया गया, जिसके अंतर्गत ही राजीव शुक्ला को राष्ट्रीय महासचिव, विपिन शुक्ला को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर, गौरव वाजपेयी को लखनऊ नगर सचिव पद पर, पुनीत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई एवं अजय यादव व शरद मोहन व प्रशांत वाजपेयी को लखनऊ प्रेस क्लब मीडिया के संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार पत्रकारों पर इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, जिस संदर्भ में प्रेस क्लब ऑफ मीडिया जो हमेशा से निरंतर प्रयासरत रही है उनको न्याय दिलाने के लिए, उन पत्रकारों पर किस तरीके से जो जानलेवा हमला होता है, मर्डर होते हैं, उसी संदर्भ में हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हम लोग वार्ता करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो आपका अभी संगठन में आज अहम बैठक की गई है, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। किन मुद्दों पर जो चर्चा की गई और क्या निर्णय लिया गया है आगामी रणनीति के विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज की अहम बैठक जो आयोजित की गई है, इसका मुख्य मकसद ये है कि पिछले लगभग कई महीनों से हम उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों की हत्याएं और उनके ऊपर जानलेवा हमला जैसी घटनाएं, फर्जी मुकदमे पत्रकारों के ऊपर दर्ज कराना, इस तरीके के जो कुछ प्रभावशाली लोग जो कुछ अवैध काम करते हैं और जब पत्रकार उनसे कोई बात पूछते हैं तो फिर वो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सब जो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की आज अहम बैठक रखी गई है। और इसमें बाकायदा हम शासन प्रशासन से, अपने संगठन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी पत्रकार के ऊपर किसी तरीके की अगर कोई भी उत्पीड़न या कोई भी समस्या आती है, कोई भी पत्रकार पीड़ित किया जाता है, तो तत्काल उसको कानूनी मदद दी जाए, तो हम यही हमारी मांग है कि किसी भी पत्रकार के ऊपर झूठे मुकदमे, हत्याएं आदि पर अंकुश लगाया जाए, और अगर ऐसा करने में हमारी प्रदेश सरकार सक्षम होती है तो हम प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। कैसा लगता है कि चौथा स्तंभ कहा जाता है वो पत्रकार जो धूप जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखता और समाज के लिए निरंतर कार्य करता है, उस पर टिप्पणी करते हुए उप मुख्यमंत्री जो ये कह देते हैं कि पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में आ जाओ, तो कैसा लगता है उस पर जो आपका जो प्रेस क्लब ऑफ मीडिया है संगठन क्या कहता है? देखिए, इसमें तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आपसे पत्रकारों ने सवाल ये पूछा था कि जो पत्रकारों के ऊपर जो घटनाएं हुई हैं उस संबंध में आपका क्या कहना है, इस प्रश्न के उत्तर में जो आपने सीधा सीधा ये कह दिया कि आप लोग जो है पत्रकारिता छोड़ के राजनीति करें, ये उन पत्रकारों का उत्तर नहीं है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे से हमारे डिप्टी सीएम महोदय ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कि पत्रकारों के अंदर किसी भी प्रकार की सरकार के प्रति अपने ऊपर
जो हो रहा है ऐसा ना हो। अच्छा, ये कैसा लगता है सर कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं डेली डेली है जो सामने आ रही हैं। हमारे समाचार पत्रकों में अगर आप देखेंगे हर एक घंटे में इस तरीके से जो घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं, तो उस पर आपका संगठन अभी आगामी रणनीति क्या तय कर रहा है उस पर भी चर्चा की गई, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा संगठन ये प्रयास कर रहा है कि पूरे प्रदेश में, पहले तो प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में समस्त जनपदों में हमारे इस संगठन की इकाइयां गठित हो जाए और जो जो भी जहां पर भी पत्रकारों के खिलाफ कोई अगर पीड़ित की घटना हो उसको तत्काल, क्योंकि जब हमारे संगठन के लोगों को जैसे ही कभी पीड़ित पत्रकारों की खबर मिलेगी, हम तत्काल शासन प्रशासन से पूरा प्रयास करेंगे कि उस पीड़ित पत्रकार को तत्काल न्याय मिल सके। कुछ पदों पर आज जो आपने लोगों को जो गठन भी किया गया है, संगठन का विस्तार भी किया है, थोड़ा सा उसकी भी जानकारी आप देंगे। इस विषय में आज प्रदेश स्तर पे 3 लोगों की नियुक्ति हुई है और हमारे लखनऊ जिले में लगभग 11 लोगों को कार्यभार दिया गया है और बहुत जल्द ही हम लोग प्रदेश के 75 जिलों में अपनी इकाइयां गठित करने में सक्षम होंगे। तो ये थे हमारे साथ में रवि अवस्थी जी, जिन्होंने बताया कि अगर आगामी रणनीति के तहत इस तरीके से अगर पत्रकारों पर उत्पीड़न नहीं है तो थमा, तो एक उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना एक मजबूरी होगी। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ गौरव वाजपेयी, स्वतंत्र भारत से।